गाइज आईपीएल 2021 का मिनी ऑक्शन 18 फरवरी को होता हुआ हमें दिखने वाला है। काफ़ी कम समय बचा है इस मिनी ऑक्शन में, सभी टीमें इस ऑक्शन की तैयारियां कर रही है। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इस ऑक्शन की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। वहीं पर दोस्तों ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही थी। वैसे ही दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दो बड़ी खबर, दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो दोस्तों उन्हीं अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी। और गाइस जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में, तो ये खबर आ रही है दोस्तों महिपाल लोमरोर को लेकर। यहाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है और वहाँ पर कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। वहाँ पर राजस्थान की टीम की तरफ से महिपाल लोमरोर भी खेल रहे हैं और महिपाल लोमरोर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था अपने पिछले मैच में। काफ़ी बढ़िया उन्होंने 68 रनों की इनिंग्स खेली थी, उसमें इन्होंने 5 छक्के मारे थे, 5 चौके मारे थे और बहुत ही बढ़िया इनकी पारी रही थी। महिपाल लोमरोर काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीज़न में ये इनका दूसरा 50 था। काफ़ी बढ़िया टच में लग रहे थे। और महिपाल लोमरोर की बात की जाए तो आईपीएल 2020 में उनको बहुत कम मौके मिले थे, 3-4 मैचेस में ही इनको मौका मिला था, उसमें से इन्होंने एक मैच में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन भी किया था। महिपाल लोमरोर डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, राजस्थान की टीम के लिए खेलते हैं और राजस्थान की टीम के लिए इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देखें तो ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनके कई प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं हम दूसरी खबर के बारे में, तो ये खबर आ रही है दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। यहाँ दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल जैसे कि आपको पता है रिलीज़ हो चुके हैं पंजाब की टीम की तरफ से और आरआर की टीम ने भी अपनी टीम में से स्टीव स्मिथ को रिलीज़ कर दिया और आरआर की टीम के पास काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा पर्स बैलेंस है। उनके पास 37 करोड़ के अराउंड पर्स बैलेंस है। इसी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि आरआर की टीम अपना मिडल ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल को खरीद सकती है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि आरआर की टीम जरूर से ग्लेन मैक्सवेल को खरीदेगी ऑक्शन में, ऐसी खबरें आ रही थी। और आकाश चोपड़ा जो हैं, जो इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोस्तों कहा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम शायद ग्लेन मैक्सवेल के पीछे नहीं जाने वाली है, आरआर की टीम ग्लेन मैक्सवेल को ऑक्शन में नहीं टारगेट करेगी। और गाइस मेरे हिसाब से आरआर की टीम को भी ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनका मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक ही है। वहीं आकाश चोपड़ा ने एक और बात कही थी और दोस्तों उन्होंने कहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को जो दिक्कत है जोफ्रा आर्चर पर, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर डिपेंडेंसी कर रखी है, वो सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। आरआर की टीम को ऑक्शन में बढ़िया विदेशी खिलाड़ियों को लेना चाहिए और आरआर की टीम को किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए उसके ऊपर दोस्तों उन्होंने कई खिलाड़ियों का नाम दिया है। आकाश चोपड़ा ने जिस खिलाड़ी का पहले नाम दिया है वो है दोस्तों काइल जेमिसन। जी हाँ दोस्तों, काइल जेमिसन के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी हो रही है, ऑक्शन में आने वाले कई टीमें ज़रूर से टारगेट करेगी। वहीं पर दोस्तों आकाश चोपड़ा ने मिचेल स्टार्क का भी नाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क को भी आरआर की टीम को टारगेट करना चाहिए। उनके मुताबिक आरआर की टीम को इनको टारगेट करना चाहिए क्योंकि आरआर की टीम के पास सेकंड हाईएस्ट पर्स बैलेंस है इस ऑक्शन में, तो आरआर की टीम जरूर से मिचेल स्टार्क के ऊपर बिडिंग करेगी। वहीं पर इन्होंने जाई रिचर्डसन का भी नाम दिया है, इन्होंने कहा है कि जाई रिचर्डसन को भी टारगेट जरूर करना चाहिए आरआर की टीम को। आरआर की टीम को इन खिलाड़ियों को जरूर से टारगेट करना चाहिए जिससे ये खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर का बढ़िया साथ दे सके। और गाइस जाई रिचर्डसन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कितने बढ़िया खिलाड़ी है, बिग बैश लीग में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं जाई रिचर्डसन, कई टीम इनके पीछे ज़रूर से जाएगी। और दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इनके ऊपर ज़रूर से बिड करेगी और आरआर की टीम के पास सेकंड हाईएस्ट पर्स बैलेंस होगा इस ऑक्शन में, इस वजह से वो जाई रिचर्डसन को भी आसानी से खरीद पाएंगे, आरआर की टीम इनके पीछे ज़रूर से जाएगी। वहीं आकाश चोपड़ा ने और भी खिलाड़ियों का नाम दिया है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरआर की टीम को एक बढ़िया विदेशी बल्लेबाज की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर इन्होंने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जेसन रॉय का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आरआर की टीम को इन इन बल्लेबाजों को ज़रूर से टारगेट करना चाहिए, उसमें सबसे पहला नाम जेसन रॉय का था,
दूसरा नाम उन्होंने बताया है डेविड मलान का। जी हाँ दोस्तों, इन दो खिलाड़ियों के बारे में, इन दो बल्लेबाजों के बारे में आकाश चोपड़ा ने कहा है कि आरआर की टीम को इन दो बल्लेबाजों को जरूर से टारगेट करना चाहिए। तो आकाश चोपड़ा ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में ये बड़े बयान दिए हैं। तो गाइस, आपके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स की टीम को इनमें से किस खिलाड़ी को अपनी टीम में ज़रूर से शामिल करना चाहिए, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वहीं पर गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।